और चलिए एक और खबर हमारे पास आ रही है, आपको रूबरू करा देते हैं। बता दें आपको खबर भोपाल से ही, जहां शासकीय वाहन चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल है। सतपुड़ा भवन में हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ के बैनर तले ये हड़ताल चल रही है। शासकीय वाहन चालक यानी सरकारी ड्राइवर्स, हड़ताल चल रही है इनकी। आदिवासी विकास विभाग के वाहन चालक हड़ताल में मौजूद हैं। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ के बैनर तले ये हड़ताल कर रहे हैं। तीन दिवसीय हड़ताल, सतपुड़ा भवन में ये हड़ताल कर रहे हैं। शासकीय वाहन चालक हैं, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ के बैनर तले ये हड़ताल चल रही है। आदिवासी विकास विभाग के वाहन चालक हड़ताल कर रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। जानकारी देंगे अंकुर अध्वर्य, विशेष संवाददाता, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। तो शासकीय वाहन चालक जिनकी हड़ताल चल रही है सतपुड़ा भवन में, अंकुर क्या कुछ जानकारी, 3 सूत्रीय मांगे, कौन सी वो मांगे वो भी बताइए। जी बिल्कुल, शासकीय वाहन चालक सतपुड़ा भवन में आज से हड़ताल पे है। आदिवासी विकास विभाग के एक वाहन चालक है। इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो नियमितीकरण की मांग है। उनका कहना है कि जो कर्मचारी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं उनको नियमित नहीं किया गया, स्थायी नहीं किया गया। दूसरा, नई जो भर्तियां होनी है वो भी नहीं की गई। और तीसरा, जो टैक्सियां लगातार लगा रहे हैं, किराए की टैक्सियां लगाते हैं, नए वाहन किराए नहीं कर रहे हैं, तो वाहनों का किराया किया जाए। और निश्चित तौर पर इन्हीं सब मांगों को लेकर वो आज हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने जमकर आदिवासी विभाग में सतपुड़ा भवन के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल पे, और 3 दिन तक हड़ताल करेंगे। इन 3 दिनों तक अब जो अधिकारी हैं वो खुद ही अपने या तो खुद वाहन चलाएंगे या निजी कर्मचारियों से चलवाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। प्रदर्शन की बात कही है शासकीय वाहन चालक संघ के बैनर तले, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ के बैनर तले हड़ताल चल रही है।